YouTube के सभी दर्शकों का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी है और कोरोना का टीका झारखंड में 13 जनवरी को पहुंच चुका है। कड़ी सुरक्षा के साथ टीका को नामकुम केंद्र में पहुंचाया गया। झारखंड में 129 केंद्र बनाए गए हैं जहां से पूरे झारखंड के लिए टीका का वितरण होगा। जैसा कि बताया जा रहा है, 16 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी टीकाकरण के लिए निर्देश दिए हैं और झारखंड सहित पूरे देश में 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू हो जाएगा। झारखंड में 16,200 वायल मिले हैं। एक वायल में 10 लोगों को टीका दिया जाएगा। लगभग पहले चरण में झारखंड में 1,62,000 लोगों को टीका दिया जाएगा, जिसमें सर्वप्रथम स्वास्थ्य कर्मी और जो फ्रंट लाइन में खड़े हैं उनको टीका दिया जाएगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री वन्ना गुप्ता ने बतलाया कि शुरू में वो टीका लेंगे जिससे झारखंड वासियों को डर नहीं लगेगा। इस तरह से देखा जाए तो यह एक महत्वपूर्ण बात है और अब हम इसके लिए तैयार रहेंगे। धीरे धीरे संपूर्ण देशवासियों को टीकाकरण का लाभ मिलेगा। जैसा कि झारखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी हैं, उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य में टीका मुफ्त दिया जाएगा और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे की जो कोविशील्ड है और दूसरा भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है, धीरे धीरे भारतवर्ष में पहुंच रहा है। झारखंड में 15 दिनों के बाद फिर टीका आने की बात कही गई है। इस तरह से जितना भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहा जाए उतना कम है। इसमें पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए और झारखंड के जो सरकार हैं, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और स्वास्थ्य मंत्री श्री वन्ना गुप्ता जी, उनको भी झारखंड की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आने वाला समय हम सभी झारखंड वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए और संपूर्ण देश वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका हम सभी लाभ उठाएं और कोरोना को दूर भगाएं। निश्चित रूप से 2021 हम सभी के लिए अच्छा साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।